विधिवत रूप से इस मांगलिक कार्य को अंजाम दिया जाएगा। भी साथ में हैं और उनके साथ भारत के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी भी तशरीफ लाए हैं। सभी खास मेहमान लोकार्पण की इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमारे ये युवा बच्चे अगर स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात मैं आपकी नज़र में डालना चाहूँगी कि ये जो हमारी पारंपरिक रस्म है और जो ये हमारे सांस्कृतिक का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। देखिए, हमारे खास मेहमानों ने भी इस प्रक्रिया को करते हुए जूते उतारे हैं और ये अपने आप में बहुत ही उनका बड़प्पन है और इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करें और ये बात सीखने की भी है। ईश्वर को साक्षी मानते हुए ऐसे किसी भी कार्य को अंजाम देना हमारी भारतीय पारंपरिक रस्म है। और आपके सामने प्रथम चरण के चंडीगढ़ पुलिस आवासीय परिसर धनास के उद्घाटन की पट्टिका का अनावरण हुआ और अब चंडीगढ़ पुलिस आवासीय परिसर धनास के तीसरे चरण का शिलान्यास भी वे अपने शुभ हाथों से करेंगे और इसके बाद परिसर का दौरा करने के लिए वे आगे बढ़ेंगे और उस निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे जहां से पुलिस के नए वाहनों को बहुत ही सुंदर वाहन चंडीगढ़ पुलिस के साथ आज से जुड़ने जा रहे हैं, उन्हें हरी झंडी दिखा के वे रवाना करेंगे। और अब परिसर का दौरा करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथि परिसर की ओर। चंडीगढ़ पुलिस जो सिटी ब्यूटीफुल की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में 24 घंटे तत्पर है, आज से उसी चंडीगढ़ पुलिस के लिए ये खूबसूरत प्रयास, ये कल्याणकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि सबकी सेवा में तत्पर पुलिस के जवान भी एक खूबसूरत और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। इससे उनकी कर्तव्य निष्ठा में भी ज़रूर बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर आपको बता दें कि इस परियोजना में कुल 5 प्रकार के आवास हैं जो कि 74 ब्लॉक में होंगे। कुल घरों की संख्या 1560 निर्धारित की गई है। परियोजना की लागत लगभग 494 करोड़ रखी गई है। इन मकानों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया गया है। फेज एक में 336 मकान तैयार हो चुके हैं जिनका लोकार्पण किया गया। फेज दो में 432 मकान निर्माणाधीन है और फेज तीन में 240 मकान है जिनका शिलान्यास किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में मकानों का निर्माण संपूर्ण क्षेत्रफल के केवल 20% भाग पर किया गया है। शेष क्षेत्रफल पर अन्य बुनियादी ढांचों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे बच्चों के खेलने के लिए मैदान, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, घूमने के लिए पार्क, पूजा के लिए मंदिर व गुरुद्वारे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल भी। इसके अतिरिक्त एक स्कूल की इमारत, सुरक्षा पोस्ट, जोनिंग प्लान के अनुसार सीवेज उपचार की योजना भी बनाई गई है। कुछ ही पलों में हमारे मुख्य अतिथि एवं गणमान्य अतिथि यहाँ पंडाल में
पहुंचेंगे। उनके आने पर हम खड़े होकर एक साथ करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंच पे आने के बाद राष्ट्रगान होगा, आप सभी अपने स्थान पर सावधान खड़े हों। थैंक यू। और अब हमारे मुख्य अतिथि पंडाल की ओर। अब हमारा अनुरोध माननीय गृह मंत्री जी से कि वह हरी झंडी देकर इस वाहनों के काफिले को रवाना करें। नियंत्रण के लिए चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक विंग को दिए जाएंगे। यह नहीं वाहन चंडीगढ़ शहर के विभिन्न जंक्शन पर नियुक्त किए जाएंगे ताकि यातायात पर विशेष तौर से प्रबंधन लगाया जा सके। साथ ही साथ इन नए वाहनों की बदौलत चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को और समर्थ बनाया जा सके। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस ने आधुनिक सहयोग से युक्त नई स्कॉर्पियोज भी शामिल की जा रही है जो कि हर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी, ट्रैफिक विंग, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे कि ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच इत्यादि को दी जाएंगी ताकि सार्वजनिक दृश्यता में बढ़ोतरी हो, अपराध की रोकथाम व कानून व्यवस्था बनाई जा सके। चंडीगढ़ पुलिस भविष्य में अपनी टीटीआरटी ट्रू कैरियर और एंटी रॉयड व्हीकल्स को भी और आधुनिक बनाने की योजना बनाई जा रही है। कुछ स्पेशलाइज व्हीकल्स जैसे कि मोबाइल ऑफिसर्स भी निकट भविष्य में शामिल किए जाएंगे जिससे पुलिस बल की गतिशीलता में बढ़ोतरी हो और कानून व्यवस्था की स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया आए। चंडीगढ़ पुलिस वी केयर फॉर यू के नारे को सच करती हुई इन नए वाहनों को शहरवासियों की सुरक्षा हेतु पूरे शहर में नियुक्त किया जाएगा ताकि चंडीगढ़ वासियों की सुरक्षा में और सुधार लाया जा सके। चंडीगढ़ पुलिस ने हमेशा से अपनी तकनीक, वाहनों और उपकरणों को उन्नत बनाने का प्रयास किया है।
ताकि चंडीगढ़ पुलिस और अधिक प्रभावी व सक्रिय हो सके। चंडीगढ़ पुलिस, वी केयर फॉर यू। जय हिंद। पंडाल की ओर बढ़ते हुए आपकी जोरदार तालियों से हम उन्हें स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और लीजिए वो शनाव पहुंचा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, अभिनंदन माननीय राज्यपाल पंजाब व प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का, स्वागत भारत के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी का, अभिनंदन प्रशासक के सलाहकार श्री धर्मपाल जी का, मेयर मैडम आपका भी अभिनंदन एवं सभी विशिष्ट मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय है मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट मेहमानों के अभिनंदन का। मेरी गुजारिश आदरणीय पुलिस महानिदेशक IPS यूटी चंडीगढ़ श्री प्रवीर रंजन जी से कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। बहुत ही खूबसूरत ये बोनसाई। मेरी गुजारिश पुनः सर से कि सर माननीय राज्यपाल महोदय का भी अभिनंदन करें, उन्हें भी पौधा भेंट करें। पुनः मेरी गुजारिश सर से कि वे गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी का भी पौधा भेंट कर सम्मान करें। सर मेरी गुजारिश कि चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार आदरणीय श्री धर्मपाल जी का भी पौधा भेंट कर आप सम्मान करें, अभिनंदन करें। मेरी गुजारिश आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक यूटी चंडीगढ़ श्री ओमवीर सिंह जी से कि वे मेयर मैडम का पौधा भेंट कर सम्मान करें। सर से मेरी गुजारिश कि विशेष निदेशक IB श्री मनमोहन सिंह जी का भी पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। पुनः मेरी गुजारिश कि वे गृह सचिव यूटी चंडीगढ़ श्री नितिन कुमार यादव जी का भी पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। SSP यूटी श्री कुलदीप सिंह चहल जी से मेरी गुजारिश है कि वे डायरेक्टर NFSU प्रोफेसर डॉक्टर एस ओजनारे जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। न केवल चंडीगढ़ पुलिस में अपितु चंडीगढ़ की जनता के हृदय में भी बहुत ही कम समय में अपना विशिष्ट स्थान जिन्होंने बनाया है, आदरणीय पुलिस महानिदेशक यूटी चंडीगढ़ श्री प्रवीर रंजन जी, मैं उनसे सादर आग्रह करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि एवं पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का विधिवत रूप से अभिनंदन करें, स्वागत बोल कहें।
चंडीगढ़ पुलिस परिसर धनास के लोकार्पण समारोह में आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं परम आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में शामिल होकर माननीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ पुलिस का मान बढ़ाया है, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी भी हूं। साथ ही मैं माननीय प्रशासक एवं राज्यपाल पंजाब श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का भी यहाँ इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान श्रीमती सरबजीत कौर मेयर चंडीगढ़, श्री अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव, श्री धर्मपाल चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं आज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारत के पहले आधुनिक शहर के सपने को ली कोर्बुज़िए ने एक सुंदर अभिव्यक्ति दी, जिसे चंडीगढ़ नाम मिला। चंडीगढ़ को आज सिटी ब्यूटीफुल के रूप में जाना जाता है। इस शहर को भारत सरकार की कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का भी गौरव प्राप्त है। प्रकृति के संरक्षण एवं लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस शहर का विकास किया गया है। आज के समारोह का आयोजन भी इसी अभिव्यक्ति का परिचायक है। एक आधुनिक पुलिस परिसर का निर्माण, जिसमें जन सुविधाओं के और उनके पुलिस परिवार के को यहाँ एक स्वस्थ सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का जो आह्वान किया था और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार चंडीगढ़ पुलिस ने इस दिशा में सुनियोजित तरीके से प्रयासरत है। हमारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता को विशेष स्थान दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस का ये मानना है कि समाज के सभी अंगों को समान रूप से सुविधा प्रदान की जाए एवं जनता और पुलिस के बीच में परस्पर समन्वय हो। चंडीगढ़ की जनता जागरूक समाज का परिचायक है और पुलिस की कार्यप्रणाली भी उसी के अनुरूप विकसित हो, यही हमारा निरंतर प्रयास है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके दिखाए हुए मार्गों पर चंडीगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है और निरंतर अग्रसर है। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हमारी एक अन्य प्राथमिकता है, जिसके लिए हमने कई उपयुक्त कदम भी उठाए हैं। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से चंडीगढ़ को काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है और इस सफलता को हासिल करने में चंडीगढ़ पुलिस की महिला कर्मचारियों का भी बड़ा विशेष योगदान रहा है। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि कई महत्वपूर्ण पदों पर आज महिला अधिकारी विराजमान हैं, जो आज शहर की यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था को देख रही हैं। इसी अवसर पर अभी हाल फिलहाल में ही एक महिला दिवस के मौके पर चंडीगढ़ पुलिस ने महिला पेट्रोलिंग दस्ते का भी गठन किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कई बार अपने संबोधनों में पुलिस को समय के अनुसार बदलने पर विशेष जोर दिया। आज की सामाजिक जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने कई नई वैज्ञानिकी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं को अपनाया है। एक सफल कानून व्यवस्था का प्रमाण अपराध की रोकथाम एवं कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने में पाया जाता है। इसे अपना उद्देश्य मानकर चंडीगढ़ पुलिस ने कई पहल किए और इसी की सराहना करते हुए गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ पुलिस को विगत 2 वर्षों से CCTNS और ICGS को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान देने का निर्णय लिया। चंडीगढ़ पुलिस की सफलता का श्रेय हमारे सभी योग्य पुलिस कर्मियों को जाता है। यह कर्मी दिन रात कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इन पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति में इनके परिवार वालों को कई कष्ट स्वयं ही झेलने पड़ते हैं। इस वर्ग के अधिकारी की सुविधाओं को प्राथमिकता देने हेतु माननीय गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा आज हमारे पुलिस परिवार के लिए इस नवीन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन वास्तव में चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। सेक्टर 14 धनास में स्थित चंडीगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स Type 2 से Type 5 तक के 1656 मकान इसमें बनाए जा रहे हैं। इस परिसर की खास बात यह है कि हमारे पुलिस कर्मियों के परिवारों की बढ़ती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए
इन नवीन मकानों में पहले से कई अधिक सुविधाओं को निर्मित किया गया है। इस आवासीय परिसर का कुल क्षेत्रफल 52.12 एकड़ है, जिसमें 10.5 एकड़ क्षेत्रफल को ही निर्मित किया गया है और बाकी स्थान को खुला रखा गया है, जो लगभग 80% के आसपास आता है। चंडीगढ़ के बगीचे के शहर की थीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुनिश्चित किया गया है कि परिसर में हरियाली प्रचुर मात्रा में हो और इस क्षेत्र में पास ही में बॉटनिकल गार्डन और धनास झील जैसे आकर्षण पहले से ही मौजूद हैं। आज फेज वन में 336 मकानों का माननीय गृह मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया और विशेष तौर पर ये पुलिस कांस्टेबल्स के लिए बनाए गए मकान हैं, जिसमें उनको रोजमर्रा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी, गुरुद्वारा, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कूड़ा फेंकने की आधुनिक व्यवस्था एवं सोलर शक्ति के माध्यम से 24/7 बिजली की आपूर्ति का भी आयोजन किया गया है। फेज टू में 432 मकानों का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसका अनावरण बहुत शीघ्र ही किया जाएगा। फेज थ्री में 240 मकान बनाने का प्रावधान है, जिसका शिलान्यास आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके लिए मैं उनका फिर से दिल से आभारी हूं। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज के कार्यक्रम के कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसा कि आज माननीय गृह मंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को सुबह उद्घाटन किया, उसको विजिट किया और आज उसको देखने के बाद उन्होंने उसकी भरपूर प्रशंसा की। सर, सुंदर शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करना हम सबों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। 285 प्रमुख स्थानों पर लगभग 2000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ANPR, नाइट विजन, अनुकूली यातायात नियंत्रण जैसे प्रावधानों के साथ हम यातायात को 24/7 प्रभावी ढंग से और नियमित करने में सक्षम होंगे। इन कैमरों का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में भी किया जाएगा। इसी के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ICGS को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया है। इसमें इस व्यवस्था के तहत हमने ई फोरेंसिक, ई कोर्ट और ई अभियोजन के बीच समन्वय लाने के लिए सारे डेटाबेसेस को एकीकृत किया है और यह प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस, जेलों, न्यायालयों एवं हमारी जो विधि व्यवस्था है उसके बीच में एक ऐसा सक्षम डेटाबेस बनाती है जिससे हमारी कार्य प्रणाली काफ़ी पारदर्शी और कुशल बन जाती है। इसी तरह से एक और नई पहल की शुरुआत चंडीगढ़ पुलिस ने की है, जिसका आज उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ICMS, हमारी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, चंडीगढ़ पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यह पहल कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक कदम है जो हमें पारदर्शी और प्रभावी दोनों बनाती हैं। अब तक सभी शिकायतें पुलिस मुख्यालय में आती थीं और फिर संबंधित जांच अधिकारी को भेजी जाती थीं। अब ICMS की प्रक्रिया को लागू करने से हर लेवल पर कंप्लेंट को रिसीव किया जा सकता है और IO उसमें मार्क करके उसको इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर सकता है। इस व्यवस्था के वजह से हमें कंप्लेंट के तत्वरत निवारण में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी और मुझे उम्मीद है कि इससे चंडीगढ़ पुलिस और सक्रिय होगी और जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो और कम होगी। इसी तरह से आज एक अन्य हमारी जो ई वेब बेस्ड ऐप है, चोरी की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए हमने EFIR की व्यवस्था आज से लागू करने का निश्चय किया है। इसमें ना केवल FIR को हम ऑनलाइन दर्ज करेंगे बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में इससे मदद मिलेगी। वाहनों की चोरी के लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद होगा और इसमें पीड़ित को जल्द से जल्द बीमा का दावा भी करने में मदद मिलेगी। इस सेवा के तहत इंक्वायरी ऑफिसर को वाहन चोरी के केसेस में 4 हफ्तों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन सबमिट होगी और इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक ई कोर्ट भी नोटिफाई कर दिया गया है। ये मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूँगा। महिलाओं और बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों की जाँच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक विशेष कार्यक्रम साइबर स्वच्छता मिशन लॉन्च किया है। माननीय गृह मंत्री जी,
आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अक्टूबर से जो ये मिशन लॉन्च हुआ था, आज हमारे पास 350 वॉलंटियर जो साइबर सोल्जर का काम कर रहे हैं, और जो विशेष तौर पे कॉलेज, तकनीकी कॉलेज जैसे हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और MCM DAV कॉलेज की लड़कियां हैं, उनसे लिए गए हैं, उनको हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। ये बच्चे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये सोशल मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस में, डेटा निष्कर्षण, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोडिंग स्किल्स में और डार्क वेब मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं। इनको इंडस्ट्री के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इंफोसिस हमारी मदद कर रही है, और इसको हम और आगे बढ़ाने का निश्चय कर चुके हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम को सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता प्रदान की जाएगी और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। साइबर क्राइम पर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आज हमने एक समझौता ज्ञापन भी करने का निश्चय किया है, जो नए युग के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपराधों को रोकने में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की बड़ी जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों और शिक्षाविदों पर है। इस सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के साथ हम उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। माननीय गृहमंत्री जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज चंडीगढ़ पुलिस और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर एक साझा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे चंडीगढ़ पुलिस बल अपनी फोरेंसिक तकनीकों को और आधुनिक बनाने में सक्षम होगी। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए भी कई कल्याणकारी कार्यों पर पहल किया गया है। आज माननीय गृह मंत्री जी के हाथों अनुकंपा के आधार पर हमारे जो नए रंग रूट हैं, उनको आज एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया जाएगा। अपने पुलिस बल के प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए हम इस तथ्य को बुलाने का जोखिम नहीं करते कि हमें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से मुक्त कराने की भी पूरी कोशिश करनी है। चंडीगढ़ पुलिस को उम्मीद है कि ये कदम चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों को और मजबूत और काफ़ी मददगार साबित होंगे। चंडीगढ़ पुलिस उपरोक्त सभी कदम और समर्पण और नेक इरादों के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर की सेवा करने के लिए हम ने अपने पारंपरिक तरीकों में सुधार, नए इनिशिएटिव्स और सर्वोत्तम प्रथाओं को अमल में लागू करने के लिए भी हमने कुछ कदम उठाए हैं। मैं चंडीगढ़ पुलिस की कई योजनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इनमें से एक, पुलिस लाइंस में हमने एक हॉर्स राइडिंग स्कूल स्थापित किया है, जिसमें हमने चंडीगढ़ के बच्चों को शामिल किया है और उनको हम इस खेल में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमने एक पुलिस कैंटीन की भी व्यवस्था की है, जिसका फायदा हमारे आसपास के कॉलोनियों के लोग भी उठा रहे हैं। अंत में मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां पधारकर चंडीगढ़ पुलिस परिवार को अपना आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान किया है। मान्यवर, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ पुलिस आपके मार्गदर्शन में एकजुट होकर निरंतर प्रयास करती रहेगी और राष्ट्र के गौरव और सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं माननीय प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने चंडीगढ़ पुलिस पे अपना निरंतर विश्वास जताया है।
ICMS यानी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, EFIR इस सिस्टम की पहली EFIR आज यहाँ मंच पे दिखाई जाएगी। इन सभी योजनाओं को स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में लागू किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय गृहमंत्री द्वारा इनका शुभारंभ इस आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बना देगा। आग्रह माननीय कि आप इस शुभ कार्य को अपने हाथों से अंजाम दें। आज की पहली EFIR जिसकी शिकायत करता है श्री केवल कृष्ण। आग्रह चंडीगढ़ पुलिस और NFSU गांधीनगर के बीच हस्ताक्षरित MOU के आदान प्रदान का, जिसके लिए मैं आग्रह करती हूँ चंडीगढ़ पुलिस महानिरीक्षक आदरणीय श्री ओमवीर सिंह जी से कि कृपया वे मंच पे आ जाएं। मेरी गुजारिश प्रोफेसर डॉक्टर SO जुनारे जी से भी कि वे इस MOU को आपस में आदान प्रदान करें। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से हमारे बीच पधारे हैं प्रोफेसर डॉक्टर SO जुनारे जी। चंडीगढ़ पुलिस में नवनियुक्त फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से किसी भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा एवं संरक्षित करने और चंडीगढ़ पुलिस की फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने में इससे काफी सहयोग मिलेगा। जोरदार तालियां इस बड़ी उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। साइबर स्वच्छता मिशन UT चंडीगढ़ साइबर जागरूकता फैलाने के लिए अपनी सामुदायिक पहल में इंडस्ट्रीज, अकेडमीज, कम्युनिटी और पुलिस के साझे प्रयास कर रही है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर सोशल मीडिया अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, वेबसाइट हैकिंग और प्रतिभूतियां, ईमेल अपराध, ईमेल साइबर विशेषज्ञ और उद्योग साइबर इंटर्न प्रशिक्षण के माध्यम से मिशन से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। प्रयासों को सराहना मिलनी चाहिए और प्रयत्न को प्रोत्साहन भी। गुजारिश मुख्य अतिथि से कि वे अपने शुभ हाथों से जागरूकता और प्रयासों से भरपूर साइबर स्वच्छता मिशन रिपोर्ट का अनावरण करें। ये साइबर रिपोर्ट चंडीगढ़ पुलिस एवं साइबर वॉलंटियर्स का एक संयुक्त प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उन्हें गुजारिश कि आप चंडीगढ़ पुलिस की 55 सालों की यात्रा को दर्शाती कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन अपने शुभ हाथों से करें। इस कॉफी टेबल बुक में चंडीगढ़ पुलिस के 55 सालों की यात्रा को दर्शाया गया है। विशेष उपलब्धियों से युक्त ये कॉफी टेबल बुक, हमारा सौभाग्य कि आज हमारे मुख्य अतिथि के हाथों इस बुक का भी विमोचन यहाँ हो रहा है। और अब आइए देखते हैं पुलिस के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों पर आधारित एक चलचित्र। मानव कल्याण की नीतियां किसी भी कर्मचारी को आत्म उत्तरदायित्व की ओर अग्रसर करते हैं। किसी भी पुलिस बल का 90% हिस्सा कांस्टेबल, हवलदार और ASI होते हैं। पुलिस की छवि से लेकर प्रशासन तक में पुलिस बल के इसी हिस्से का योगदान सबसे अधिक होता है। चंडीगढ़ पुलिस का मानना है कि इसी बहुमत के कल्याणार्थ बनने वाली योजनाएं संगठन के प्रभावी या निष्प्रभावी होने के अंतर को कम करती हैं। मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि सेटिस्फेक्शन रेशियो हाउसिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी पुलिस की कार्य रे
ये नहीं कहे ओ नजरिया लगे नहीं कहीं के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम भी बहुत ही खूबसूरत। जन जन के कल्याण और सेवा में तत्पर चंडीगढ़ पुलिस हमारी शान है, हमारी पहचान है, खूबसूरत पहल है और बेहतरीन सोच कि सबकी सोच रखने वालों के प्रति भी एक सोच जागृत हुई। पुलिस कर्मियों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। सब आपको प्रिय हैं, ये आपकी परख है। आप किसी को प्रिय हैं, ये आपकी पहचान है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव हृदय को। मन, कर्म, वचन से अपने स्वभाव और प्रभाव की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले माननीय राज्यपाल पंजाब प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से मेरा निवेदन कि वे अपने सुविचार हमारे समक्ष रखें। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्रीमती सरबजीत कौर अपने चंडीगढ़ की महापौर, श्री धर्मपाल जी सलाहकार प्रशासक चंडीगढ़, श्री प्रवीर रंजन जी पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़, श्री मनमोहन सिंह जी आईपीएस स्पेशल डायरेक्टर आईबी, श्री नितिन कुमार यादव गृह सचिव चंडीगढ़, प्रोफेसर डॉक्टर एसओ यूनारे डायरेक्टर एनएफएसयू, उपस्थित सभी आमंत्रित मेहमान, सज्जनों, देवियों और विद्यार्थीगण, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कर कमलों से चंडीगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स धनास का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ प्रशासन भली भांति समझता है आवास एक बुनियादी जरूरत है जो न केवल हमारे पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि उनके काम करने की क्षमता में भी सुधार करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से चंडीगढ़ पुलिस की आवास संतुष्टि दर 50% से अधिक हो जाएगी। अभी और करना होगा तो बहुत आवश्यक है। अभी उद्घाटन के बाद माननीय गृह मंत्री जी के साथ में हम वो जो आवास अलॉट हुए हैं वो देखने के लिए गए, उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर है और प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो जनरली
कॉन्ट्रैक्टरों को बदनाम भी किया जाता है, पर मैं देखने के बाद में कहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने कम से कम अच्छा काम किया है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। कांस्टेबल सिपाही जो कि नागरिकों की रक्षा करते हैं, न दिन को दिन न रात को रात काम करते हैं, उनकी एक चिंता दूर होती है, अच्छा आवास, अच्छा घर, कम से कम वो इतना बेफिक्र रहता है सिपाही चाहे कहीं भी ड्यूटी पे हो कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरा परिवार एकदम सुरक्षित रहेगा, चाहे मैं 3 दिन बाहर रहूं, 4 दिन रहूं या महीना भर भी रहूं, एक चिंता दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए प्रायोरिटी पर चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देखने में अच्छा है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लिफ्ट है, ओपन जिम, कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन स्पेस, वॉकवे सभी है। चंडीगढ़ पुलिस की आधुनिकरण संबंधी आवश्यकताओं का समय रूप में आकलन करने के लिए पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन पहले से किया जा रहा है। इसी के अनुरूप शहर की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उपमंडलों की संख्या 3 से बढ़कर 5 कर दी गई। सारंगपुर में स्मार्ट पुलिस अकादमी की स्थापना की योजना बनाई जा रही है, जो न केवल चंडीगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों के पुलिस कर्मचारियों की प्रारंभिक और सेवा काल दौरान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस प्रस्तावित अकादमी के निर्माण संबंधी ड्राइंगें नक्शे पहले तैयार हो चुके हैं। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ट्रैफिक जैसे विशेष अपराधों के लिए 3 पुलिस स्टेशनों की स्थापना संबंधी अधिसूचना भी प्रक्रियाधीन है। ओवरऑल मुझे चंडीगढ़ में आने को करीब 6-6.5 महीने हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, परंतु मैंने काम किया, पुलिस के काम को नज़दीक से देखा है, और मैं हमारे जो डीजीपी हैं उनके और उनकी टीम का खुले दिल से मैं तारीफ करता हूं और उनको बधाई देता हूं। टोटल ट्रांसपेरेंसी दिखती है, सीधा व्यवहार दिखता है, क्योंकि मेरी तो पब्लिक लाइफ गई ना 50 साल, एमएलए रह चुका 2 बार, 3 बार पार्लियामेंट में रह चुका, और हमको गृहमंत्री जी ने 3-4 जगह का गवर्नर भी बना दिया, 4 जगह घुमा दिया। इसका कारण मैंने देखा, क्यों, कई स्टेटों में मैं गया हूं, वहां पर मैंने ज्यादातर पाया कि चीफ सेक्रेटरी में और डीजीपी में हमेशा ईगो क्लैश होता है, ईगो क्लैश होने से मामला ठीक नहीं जमता, और यहां तो दोनों एकदम प्रेम से मिले हुए हैं। मैंने कहा दैट इज द रीजन फॉर द सक्सेस, मिलके काम होता है ना, इनको जितनी जरूरत है उसका यदि मन लगा के एडवाइजर पूरा करे, कोशिश करे, ऊपर तक दिल्ली तक ले जाए, तो दोनों का यदि एक साथ में काम होगा तो निश्चय ही भल्ला जी भी यहाँ आए, तुरंत बोलेंगे कि ये दोनों आए हैं तो जरूरी है ही मिलके, दोनों अलग अलग यदि जाएं, अलग अलग विचार रखें तो गड़बड़ हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, यहाँ पर काम हो जाएगा। इसी का नतीजा है कि ये फास्ट एक्शन होके इतना सुंदर आवास मिला है,
मैं कर्मचारियों को आज बहुत हृदय से बधाई देता हूं। सुंदर उपलब्धि है, ऐसे फ्लैट ज्यादा से ज्यादा बनाए और मैं इन सब की तरफ से आपकी तरफ से भी माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने स्वयं देखा है, थोड़ा और ज्यादा फंड बिल बढ़ा करके आप दे देंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 50-60% है, सभी को घर मिले तो एक बहुत बड़ी इनके लिए आनंद की उपलब्धि। क्राइम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी अभी आज शुरू हुआ, अब कम से कम जो क्राइम करने वाले लोग हैं, नियम कानून को तोड़ने वाले हैं, वो अब बचेंगे नहीं। सबसे ज्यादा मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चों को विशेषकर यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे खुशी हुई कि पुलिस के काम में मदद करते हैं, तो मैं उनको ये भी कहूँगा कि आप जनता में भी जागृति पैदा करो कि कोई भी पुलिस के जो कानून है, सिग्नल के, ट्रैफिक के, कोई भी कानून को नहीं तोड़े। वैसे तो अब जिनको भी तोड़ेंगे उनको तो जुर्माना सजा तो हो ही जाएगी, ये तो बात निश्चित है। और ये तो अभी अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पर कानून के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ सर, अमेरिका में मैं गया था, तब उसी दौरान मैं 15-20 दिन रहा, वहाँ पर न्यू ऑर्लियंस टाइम्स आता है और न्यू ऑर्लियंस टाइम्स में फ्रंट पेज बॉक्स पे एक दिन न्यूज थी कि अमेरिका के सीनेटर सो एंड सो, उसका नाम तो मैं भूल गया, उसको सार्जेंट ने उसको बुक किया, पकड़ा, चालान किया और ऑन द स्पॉट उसको $200 का फाइन किया। व्हाट वाज द क्राइम ही कमिटेड? उसका क्राइम यह था, रैश ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर, मतलब वो स्पीड की एक लिमिट थी, वहां पर मील चलती है, 60 मील की लिमिट का बोर्ड लगा था और वो वहां से शायद 101 मील की स्पीड से निकल गए थे, पकड़े गए। दूसरे दिन जिस दिन ये न्यूज छपी, सीनेटर वहां तो बड़ी चीज है अपने यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसा, पर वहां एक सीनेटर को तो 50 का स्टाफ मिलता है, एक लाइब्रेरी मिलती है, प्लेन में कहीं भी जा सकते हैं, बहुत फैसिलिटी है, बड़ी हस्ती है। और सीनेटर को फाइन कर देना, पकड़ के रोक देना, वो भी एक सार्जेंट सिपाही ने किया। दूसरे दिन ये था कि दे आर द लॉ मेकर्स, थू हो रही थी, पर देखिए दूसरे दिन वही उसी पेपर में फ्रंट पेज पर वही जगह पे बॉक्स आइटम में सीनेटर का स्टेटमेंट था, सॉरी मेरी गलती हो गई, छुट्टी का दिन था और मैं मेरे फ्रेंड की शादी में, ड्राइवर आया नहीं, फ्रेंड की शादी में गया तो सेल्फ ड्राइव करके गया, वहां कुछ ज्यादा पीपा लिया और उसमें मेरे से ये गलती हो गई। आई वॉज लकी इन द सेंस, वो बोलता है आई हैड $200 इन माई पॉकेट, अदरवाइज आई वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स होल नाइट एंड फॉर टू डेज इवन। ये लॉ मतलब एक सार्जेंट वहां के सबसे बड़े शक्तिशाली सीनेटर को फाइन करके वो किसी की मुरव्वत नहीं करता, वैसा ही कानून पुलिस को भी मैं कहता हूं, चाहे कितना भी बड़ा हो कानून है वो सबके लिए बराबर। गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका हमेशा पुलिस के प्रति बहुत बड़ा मन है, पुलिस के दुख दर्द आप हमेशा संभलते हो और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। पुलिस वालों को भी कहता हूं, बड़े से बड़े अफसर को भी मैं कहता हूं एक सीनियर के नाते कि अपना सादा जीवन परिवार का रखो,
कोई भी हैबिट ड्रिंक व्रिंक की अपने पास लग नहीं पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, टोटल ट्रांसपेरेंसी रखो। तो ट्रांसपेरेंसी का मैं कहता हूँ ड्यूटी की ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी पर्सनल लाइफ में भी रखो ना। कहीं गलती से आदत लग गई, कहीं क्लब में भी गए, बट योर स्पाउस मस्ट नो वेयर यू आर सिटिंग, इन विच क्लब एंड इन विच कंपनी, ऑन विच टेबल। कम से कम इतना ट्रांसपेरेंसी, कोई मत छिपाओ ना, गलती होगी नहीं। न परिवार में छिपाना, न बच्चों से छिपाना, सादी जिंदगी, ट्रांसपेरेंट जिंदगी रही और सादे जीवन में जगे ना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 5 साल आप मेरी बात मान के रखो, बड़े से बड़े ऑफिसर से लेके छोटे छोटे कांस्टेबल तक को मैं कहता हूँ, आप मान के रखिए। 5 साल आपने मान ली, आपका मन इतना बदल जाएगा, 101% बदलेगा। फिर आपके सामने करोड़ों रुपया यदि कोई रखेगा तो आप उसको धूल के बराबर समझोगे, हाथ नहीं लगाओगे। एंड जीवन आज तय करो कि हमारे घर में कुछ भी हो, इल-गॉटन मनी, पाप का पैसा मेरे घर में घुस नहीं पाए। ये आज से दृढ़ निश्चय करो आज के मौके पर। इसलिए इतना पवित्र वातावरण में, सुंदर वातावरण में आज इतना खुशी का दिन है। मैंने तो पहले ही कहा डीजीपी साहब को कि आपने हमारी तबीयत खुश कर दी आज दिखा के, इतने सुंदर मकान बने हैं, आप भी देखोगे। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यही पुलिस वालों के लिए आपका जो बड़ा दिल है, वैसे आपका अनुकरण करके सारी स्टेटों में भी जितने भी मंत्री हैं वो भी सारी स्टेट भी, उनको भी आपका आदेश जाए कि दिल बड़ा रखें और सुविधाओं के लिए कहीं कोई कोताही न बरतें, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी पर है, ये सोसाइटी के रक्षक हैं। इनको हर दृष्टि से उत्साहित करना हमारा एक कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीपी साहब, आपको और आपकी टीम को उन्हें एक बार धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से आप पीछे पड़िए, दोनों साथ में रह के तो अंदर सफल होंगे, और फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको तो गृह मंत्री जी देखते ही हैं, परंतु ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपकी तरफ से रिकमेंडेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और आशीष सदैव अपेक्षित है। और अब साइबर स्वयं सेवकों के महत्वपूर्ण सहयोग और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य अतिथि द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र भेंट करने की गुजारिश। क्रमानुसार मैं उन बच्चों को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। निशांत पुरी पैक चंडीगढ़ के स्टूडेंट मंच पे आ जाएं। प्रयासों को बल मिलता रहे, जनता के हित में कल्याणकारी कार्यों को सफलता मिले और युवा पीढ़ी अपने हक और दायित्वों का संतुलन बना के अपने और राष्ट्र के प्रति प्रयासरत रहे, यही हमारी शुभाकांक्षा है। निशांत पुरी पैक के स्टूडेंट चंडीगढ़ से ये सम्मान, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके प्रयासों के लिए, आपके सहयोग के लिए आपको बधाई। हरनाज सिकंद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, हरनाज सिकंद, तालियां बजती रहें क्योंकि ये प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। शिवा गोयल UIET चंडीगढ़ से, ओजस्विनी भार्गव MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ से, बहुत बहुत बधाई आपको। रिमशा लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली से, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही अन्य साइबर सोल्जर्स जो यहाँ मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि वे अपने सर्टिफिकेट्स को हाथों में लेकर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही ऊंचा उठा के दिखाएं और माननीय मुख्य अतिथि का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, ये सभी हमारे साइबर सोल्जर्स हैं जिन्हें ये प्रमाण पत्र दिया गया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को।
आवासीय परिसर धनास में जिन सौभाग्यशाली पुलिसकर्मियों को घरों का आवंटन किया जा रहा है, आज इस आयोजन में मुख्य अतिथि द्वारा उनमें से कुछ को चाबियां सौंपी जाएंगी। क्रमानुसार उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले लेडी कांस्टेबल कविता देवी अपने जीवन साथी श्री बलबीर सिंह जी के साथ, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती ज्योति कांस्टेबल श्री रवि कुमार के साथ पंच पे आ जाएं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेडी कांस्टेबल श्रीमती सुमन देवी अपने जीवन साथी श्री रजत के साथ मंच पे आ जाएं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्रीमती सुनीता सीनियर कांस्टेबल श्री नरेंद्र कुमार, आप सभी से गुजारिश, बहुत बहुत बधाई। सौभाग्यशाली हैं आप, आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि के हाथों आपको इस घर की चाबी दी जा रही है। श्रीमती ममता सीनियर कांस्टेबल श्री अमरपाल जी के साथ मंच पे आ जाएं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अनुकंपा के आधार पर कुछ नए नियुक्त जवानों का चयन किया गया है। आग्रह मुख्य अतिथि से कि वे अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करें एवं अपनी शुभकामनाएं भी दें। मेरी गुजारिश मिस प्राची सेखरी जी से, डॉटर ऑफ लेट सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार। मिस प्राची सेखरी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्रीमती मीना वाइफ ऑफ लेट हेड कॉन्स्टेबल सूरज सिंह, श्रीमती मीना वाइफ ऑफ लेट हेड कांस्टेबल सूरज सिंह, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मिस योगिता डॉटर ऑफ लेट कांस्टेबल विजय कुमार, इस नियुक्ति के लिए आपको भी बधाई एवं शुभकामनाएं। मिस्टर अंकित सोनी सन ऑफ लेट कांस्टेबल संजय कुमार, मिस्टर नवदीप सिंह सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, मिस्टर अर्जुन सिंह सन ऑफ लेट श्री लक्ष्मण सिंह, मिस्टर नितिश सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल करमबीर सिंह, मिस्टर हरप्रीत सिंह सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह, मिस्टर अंकित सन ऑफ लेट कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, मिस्टर दीपक कुमार सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, मिस्टर मोहित सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल धनवीर सिंह, मिस्टर इंद्रपाल सिंह सन ऑफ लेट कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह, मिस्टर धैर्य मेहता सन ऑफ लेट हेड कांस्टेबल अनिल मेहता जी। कार्यकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के परिवारों के सदस्यों को सांत्वना स्वरूप 30 लाख रुपए की राशि पुलिस विभाग एवं HDFC बैंक के द्वारा सम्मिलित रूप से देना निर्धारित किया गया है। आज ऐसा ही एक परिवार हमारे बीच है। गुजारिश मुख्य अतिथि से कि वे अपने शुभ हाथों से ये कल्याणकारी कार्य करें ताकि विधित परिवार को सांत्वना मिल सके। श्रीमती राजकुमारी वाइफ ऑफ लेट श्री बलवीर सिंह, जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं, मुद्दत हो गई जिन्हें मुस्कुराए हुए, चलो खुशियों का कोई जहां ढूंढते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंदाज से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। और अब गुजारिश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे
हम सभी को अपने आशीर्वचन दें। गुजारिश मुख्य अतिथि से। आपकी जोरदार तालियों में हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनके आशीष वचनों को सुनेंगे। ये मीडिया के मित्र जरा सेट कर कर बैठ जाइए, मैं यहीं खड़े रहने वाला हूं। प्लीज जरा बैठ जाए, पीछे दिखाई पड़े। धन्यवाद, बैठ जाओ भाई। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। अरे सरदार जी बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम बनवारीलाल पुरोहित जी, चंडीगढ़ की महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, डीजीपी चंडीगढ़ श्री प्रवीण रंजन जी, प्रशासक महोदय के सलाहकार श्रीमान धर्मपाल जी, श्री नितिन कुमार यादव जी, डॉक्टर एस जे जुनेद जी, और यहां पर साइबर स्वच्छता में अपना योगदान देने के लिए जुड़े हुए सभी साइबर सोल्जर भाइयों और बहनों और उपस्थित सभी भाई और बहन, आज इतने सारे कार्यक्रमों का एक साथ यहां पर लोकार्पण भी है, शुभारंभ भी है। मैं 2 साल पहले चंडीगढ़ आया था, उस वक्त एक 20 मिनट के छोटे से भाषण में मैंने 8 बिंदुओं पर बात करी थी। मुझे इस बात का आनंद है कि आज 8 बिंदुओं पर कुछ न कुछ चंडीगढ़ पुलिस ने कर इसकी शुरुआत कर दी। सबसे पहले आग्रह किया था कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो के अंदर बदलाव आना चाहिए। पुलिस के कर्मचारियों की जो ड्यूटी होती है वो सभी सरकारी विभागों में सबसे कठिन ड्यूटी होती है। मैंने राज्य में भी गृह मंत्री के नाते काम किया है और पुलिसिंग की कठिनाइयों को बहुत नजदीक से देखा है। एकमात्र सरकारी कर्मचारी ऐसा होता है जिसके ड्यूटी के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, ना ओवरटाइम मिलता है। अहर्निश दिन रात समस्या के साथ जूझना पड़ता है। विपरीत छवि समाज जीवन में होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ऐसे समय में मैक्सिमम इसकी जरूरत होती है जब पूरा देश और दुनिया आनंद और उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहा है। मानो होली है, उस दिन पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी अनेक गुना बढ़ जाती है। रक्षाबंधन है, दीपावली है, लोहड़ी है, उसकी ड्यूटी अनेक गुना बढ़ जाती है। उसको अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाने की कभी भी इजाजत नहीं मिलती है। ड्यूटी उसको रोड पर लेकर आती है। काम के घंटे विपरीत होने के कारण सेहत पर भी असर पड़ता है,
खान पान और एक्सरसाइज नियमित नहीं हो पाती है, इसका भी सेहत पर असर पड़ता है। ऐसे समय के अंदर परिवार की सुरक्षा और परिवार के साथ जितना भी समय पुलिस कर्मचारी बिता पाए, एक अच्छे माहौल में बिताए, वो बहुत जरूरी होता है। मुझे आज बहुत आनंद है कि लगभग 1560 परिवारों को अलग अलग स्तर पर उसके घरों की स्थिति है, उनके निवासों की स्थिति है, और काफी लोगों को आज उसका निवास मिल भी गया है। और मैं निवास देखकर आया हूं मित्रों। पुरोहित जी ने एक बहुत बड़ा ग्रॉस सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छा काम हुआ है, मगर मैं क्वालिटी के बारे में तो जरूर कहूंगा, मैं मेरी आंख से देखकर आया हूं, बहुत अच्छे निवास में आप सभी लोग रहने जा रहे हो, आपको नया घर मिल रहा है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको है, क्योंकि आज आप एक प्रकार से नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये देश भर का पुलिस कर्मचारियों की एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयास जितने भी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। न केवल महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण चुनौती भी है। जब तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को आप नहीं बढ़ाते हो, पुलिस कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार की और अपनी ड्यूटी के अच्छे निर्वहन की आप आशा ही नहीं रख सकते। मुझे बहुत आनंद है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इस काम को बहुत मन से लिया और लगभग 1560 अलग अलग प्रकार के आवासों का निर्माण का काम हाथ में लिया है। आज 350 के आसपास लोगों को इसका घर भी अलॉट कर दिया गया है। दूसरी बात मैंने कही थी कि जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग इन्वेस्टिगेशन और डेटा स्टोरेज और इसके एनालिसिस विश्लेषण के आधार पर नहीं करोगे, विश्लेषण के लिए नहीं करेंगे, तब तक अपराध पर नियंत्रण असंभव है। क्योंकि जब तक क्लासिफाइड डेटा नहीं होता है, इसके एनालिसिस के बगैर अपराध नियंत्रण की कोई रणनीति ही नहीं बन सकती। जब तक अन्वेषण को, इन्वेस्टिगेशन को आप स्पीड के साथ नहीं कर सकते हो, अपराध पर नियंत्रण ही नहीं पा सकते हो। जब तक प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर नहीं करते हो, आप अपराध पर नियंत्रण नहीं पा सकते हो। जब तक प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटर नहीं कर सकते हो, सुपरवाइजरी ऑथोरिटी इसको ऑनलाइन मॉनिटर नहीं कर सकती है, इसको आप जल्द स्पीडी न्याय आप नहीं दिला सकते हो। और इस सब के बाद जेल को भी आप जब तक पुलिस के सारे पुलिस थानों के साथ नहीं जोड़ते हो, अपराध पर नियंत्रण नहीं ला सकते। ये सारी चीजें भारत सरकार ने ICJS के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शन देश की सभी पुलिस के लिए रखे हैं। इसके अंदर CCTNS है, जिसमें देश के 98% से ज्यादा पुलिस थानों को जोड़ लिया गया है। ई कोर्ट का एक मॉडल बनाकर दिया है, ई प्रिजन का एक मॉडल बनाकर दिया है, ई फोरेंसिक का एक मॉडल बनाकर दिया है, ई अभियोजन, ई प्रोसिक्यूशन का भी एक मॉडल बनाकर दिया है, और ICJS के माध्यम से ये सब को जोड़कर इसको थाने तक उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मगर ये सारी योजनाएं और सारा डेटा अगर नॉर्थ ब्लॉक में या NCRB में पड़ा रहेगा तो क्या फायदा इसका? डेटा का एनालिसिस तो राज्य स्तर पर या संघ प्रदेश के स्तर पर करना है, इसके आधार पर पुलिस की वार्षिक रणनीति बनानी है,
कि हमारे प्रदेश में कौन से क्राइम को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, हमारे प्रदेश में कौन से क्राइम की मॉडस ऑपरेंटी क्या है, ये तय राज्य स्तर पर करना है और मैं राज्य स्तर से भी नीचे जाकर पुलिस स्टेशन स्तर पर भी करना है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में अपराधों का प्रकार, अपराधों का नेचर और अपराधों की संख्या, ये तीनों अलग अलग होती है और वो तभी हो सकता है जब पुलिस थाने तक ICJS को हम पहुंचाएंगे। आज मुझे बहुत आनंद है कि इस पूरी प्रक्रिया को चंडीगढ़ पुलिस ने पूरा कर सभी ई फॉर्मेट्स को ICJS के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता के सेवा में यहां पर लागू किया है। एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली भी आज जारी की है, इसके माध्यम से ये जो हमारे साइबर सोल्जर है वो साइबर स्वच्छता के साथ साथ इसको भी पॉपुलर करेंगे, इसका मुझे अभ्यास विश्वास है। और मैं प्रबीर जी को कहता हूं कि साइबर सोल्जर को ये सारा CCTNS हो या हमारा ICJS हो या एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली हो, इसका भी प्रशिक्षण साथ साथ देकर लोगों की जागरूकता के लिए उनको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि EFIR रजिस्टर करने की तो आपने शुरुआत कर दी, मगर जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि पुलिस थाने गए बगैर, अपना एक घंटा बिगाड़े बगैर FIR रजिस्टर हो सकता है, वो कैसे करेंगे। और मैं ये सभी साइबर सोल्जर को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारी सिस्टम का एक थरली स्टडी कर इसको पॉपुलर बनाने में चंडीगढ़ प्रशासन की मदद करिए। नॉलेज किसी भी क्षेत्र का हो, भविष्य में आप किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, नॉलेज के लिए किया हुआ परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाता है, ये व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाता है। और आपके लिए इतनी युवा अवस्था में चंडीगढ़ प्रशासन ने आपको सिलेक्ट किया है, साथ में जुड़ा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपने भी ये सारे कामों को करना पड़ेगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में, चंडीगढ़ पुलिस के बीच में एक MOU हुआ। मेरा शुरू से आग्रह, और मैंने पुलिस कांग्रेस में कई बार कहा है कि जब तक फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया नहीं होती, दोष सिद्धि के दर को आप सुधार नहीं सकते हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है वो सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक टीम का विजिट हो जाए। हम आने वाले दिनों में IPC CRPC एविडेंस एक्ट के अंदर सुधार करने जा रहे हैं, इसमें इसका प्रोविजन करेंगे, परंतु मैन पावर कहां से आएगा, ना देश के पास इतना फॉरेंसिक के क्षेत्र का ट्रेन मैन पावर है, ना इसकी सुविधाएं खड़ी हुई है। परंतु जब कभी भी शुरुआत करते हैं दिक्कतें तो रास्ते में आती ही है, और दिक्कतों का रास्ता ढूंढना होता है, दिक्कतों से रास्ता बंद हो गया है ऐसे सोते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और ये सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में अपने कॉलेजेस को, एफिलेटेड कॉलेजेस को खोलने वाला है, और तब एक बहुत बड़ी मात्रा में मैन पावर उपलब्ध होगा, और फिर हम कानूनन ये कर सकेंगे कि 6 साल से ज्यादा जिसने जिस भी दफा के अंदर सजा है वो सब में साइंटिफिक एविडेंस को हम कंपलसरी करेंगे। परंतु अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत, इस समझौते के तहत एक ट्रेन मैन पावर चंडीगढ़ पुलिस को मिलेगा,
जो बच्चे वहां से पास आउट होंगे, बीएससी होंगे, एमएससी होंगे, कोई फोरेंसिक के कोई एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे, वो चंडीगढ़ पुलिस के साथ सहयोगी बनेंगे और चंडीगढ़ पुलिस अपनी एफआईआर में इनके अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन में इसका उपयोग भी करेगी और प्रोसिक्यूशन में भी इसका उपयोग करेगी। मुझे विश्वास है इससे चंडीगढ़ पुलिस का दो सिद्धि का दर है उसको बहुत बड़ी मात्रा में सुधारने में चंडीगढ़ पुलिस को फायदा होगा। मित्रों, आज चंडीगढ़ पुलिस का क्लेवर बदलने के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ियों का एक बहुत बड़ा दस्ता आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस दस्ता आज दिया गया है। चंडीगढ़ जैसे छोटे संघ प्रदेश के अंदर ये दस्ता जब घूमेगा तब मुझे विश्वास है चंडीगढ़ के लोगों में विश्वास के वातावरण की निर्मिति होगी और इससे पुलिस पर का भरोसा भी बढ़ेगा और पुलिस को अप्रोच करने का विश्वास भी बढ़ेगा। मित्रों, आज सुबह से मैं चंडीगढ़ में हूं, कई सारी चीजों का आज लोकार्पण हुआ है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा का राजधानी क्षेत्र भी है। यहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति का असर एक संघ प्रदेश और दो राज्य तीनों जगह पड़ता है। अगर यहां पर चंडीगढ़ पुलिस कोई एक मॉडल खड़ा करती है तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा और पंजाब पुलिस को भी इसका फायदा होता है। और आज ये जो नई शुरुआत हुई है इससे न केवल चंडीगढ़ इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब पुलिस को भी फायदा होगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मित्रों, मैं अमाउंट में जाना नहीं चाहता परंतु कुल मिलाकर लगभग 125 करोड़ से ज्यादा राशि आज चंडीगढ़ पुलिस को अपग्रेड करने के लिए खर्च हुई है और वो सारों का लोकार्पण आज किया गया। 125 करोड़ की राशि संघ प्रदेश में, इतने छोटे प्रदेश में 125 करोड़ की राशि, जिसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी है, फोरेंसिक साइंस को अपग्रेड करने की व्यवस्था भी है और कई सारे ई इनिशिएटिव भी आज लिए गए हैं। इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में संघ प्रदेश को होने वाला है। आज एक मानवता का और काम हमारे प्रशासक महोदय बनवारीलाल पुरोहित के तत्वाधान में हुआ है, जिन्होंने भी कसमय अपनी जान गंवाई है। वो सारे परिवारों की चिंता करते हुए उनको धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है और उनके परिजनों को नौकरी देने का काम भी हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो जवान ड्यूटी पर तैनात है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रशासन चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़ा है। आज मैं चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को एक शुभ समाचार भी देना चाहता हूं कि आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने किया। इससे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। एक सबसे पहले तो आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है, शिक्षा संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षण संकाय के सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे। और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। बहुत समय से ये मांग चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों की थी, आज मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है, कल ही इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आप लोगों को नए महीने से, नए फाइनेंशियल ईयर से इसका फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। मित्रों,
जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अनेक क्षेत्रों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की शुरुआत हुई, परंतु देश की इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को समस्या विहीन बनाने के लिए और सारी दशकों से चली आई समस्याओं को निर्मूल करने के लिए मैं मानता हूं कि 7 साल में जितना काम हुआ है इतना 75 साल में कभी नहीं हुआ। चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व का नॉर्थ ईस्ट का थिएटर, सभी जगह पे जो आतंकवादी ग्रुप्स और हथियारी ग्रुपों के क्लैशेस की घटनाएं थी, उस पर एक प्रभावशाली नियंत्रण हमारे सोल्जरों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने प्रस्तावित किया है और ये संदेश कड़ाई के साथ भेजा है कि देश के नागरिक चाहे नक्सलवाद क्षेत्र में रहते हो, चाहे कश्मीर में रहते हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप नक्सलवादी घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। उत्तर पूर्व में ढेर सारे हथियारी संगठनों ने भारत सरकार के प्रोएक्टिव स्टेप को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के साथ समझौते किए हैं। 9,000 से ज्यादा हथियारी उग्रवादियों ने सरेंडर कर अपने आप को कानून के हवाले किया है। मित्रों, 9,000 से ज्यादा परिवार आज आराम के साथ कानून पर भरोसा कर अपने आप को सरेंडर किए हैं। और कश्मीर के अंदर भी आतंकवादी घटनाओं पर नकेल कसने में सुरक्षा बलों ने एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रस्थापित किया है। इसको आंकड़ों को देखकर हमारे विरोधी भी नकार नहीं सकते। मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा की जितनी भी चुनौतियां थी, ये सभी को न केवल एड्रेस किया गया है, इसके परिणाम लाने का भी काम किया है। मैं चंडीगढ़ में खड़ा हूं, मुझे मालूम है कश्मीर से लेकर चंडीगढ़ वाया चंडीगढ़ हरियाणा तक नारकोटिक्स से पूरी जनता परेशान है, परंतु मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार ने अभियान चलाया है 2021 में 75 साल में रिकॉर्ड नारकोटिक्स और उनके रैकेट चलाने वाले को पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले 2-3 सालों के अंदर नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी लड़ाई हम चरम सीमा पर ले जाएंगे और किसी को इजाजत नहीं होगी हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, आने वाली नस्लों को नशे के अंदर, नशे के गर्त में डूबोने की किसी को इजाजत नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक दृढ़ निश्चय है। मित्रों, ढेर सारे काम आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, मैं इसमें ज्यादा आपको कहना नहीं चाहता। पुलिस कल्याण के बारे में भी, चाहे कोई भी सशस्त्र बल हो या यूटी के संघ प्रदेश की सारी पुलिस के कल्याण की बात हो, सबको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ पुलिस कल्याण को गृह विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। मित्रों, ये साल क्योंकि यहां ज्यादातर युवा बैठे हैं, ये साल जो है हमारा आजादी का 75वां साल है। मैं भी आजादी के बाद ही पैदा हुआ, मगर आप जब पैदा हुए हैं तब आजादी का माहौल भी नहीं। हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास को पढ़ना चाहिए और इसीलिए आजादी के संघर्ष को युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए मोदी जी ने तय किया है ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और हमारे देश भर के युवाओं को आजादी प्राप्त करने के लिए जो कड़ा संघर्ष हमारे पुरखों ने किया है वो संघर्ष से परिचय कराया जाएगा। आजादी ऐसे नहीं मिले,
नामी अनामी कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, कई लोगों ने अपनी ओजस्वी तेजस्वी कैरियर को समाप्त करकर आजादी के आंदोलन की लड़ाई के अंदर कूद पड़े हैं, और कई लोगों ने अनेक प्रकार के जन जागृति के काम करकर देश को आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब जाकर ये देश अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर आया। आज जो युवा स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के अधिकारों के लिए सोच रहा है, वो हम सोच इसलिए रहे हैं कि हम आजाद भारत के अंदर श्वास ले रहे हैं। हमारे संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, परंतु ये अधिकार आपको मिला है इसके लिए कितनी कड़ी मशक्कत, कितना कड़ा संघर्ष, कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा बलिदान करना पड़ा है, वो हम सबको जरूर सोचना चाहिए, उसको याद भी करना चाहिए। यहां जो युवा बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका ईश्वर ने नहीं दिया, कैसे लड़ सकते हो, देश आजाद हो गया, हम सबका जन्म ही आजादी के बाद हुआ है, मगर देश के लिए मरने का मौका भले न मिला हो, देश के लिए जीने का मौका ईश्वर ने हमें जरूर दिया है, और वो आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हरेक युवा तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर 75 वर्ष के इस वर्ष में, आजादी के अमृत महोत्सव में, इसको संकल्प वर्ष का नाम दिया है। हर क्षेत्र अपने संकल्प तय करेगा, हर व्यक्ति अपने संकल्प तय करेगा, और देश की जब शताब्दी मनाई जाएगी तो करोड़ों संकल्पों का ये संपुट देश को महान बनाकर, एक महासत्ता बनाकर दुनिया के अंदर गौरवपूर्ण स्थिति में प्रस्थापित करेगा। मित्रों, छोटी छोटी चीजें, मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम व्यक्ति के नाते क्या कर सकते हैं, नागरिक के नाते क्या सकते हैं, बहुत सारे युवा बैठे हैं, क्या हम कोई एक संकल्प ऐसा ले सकते हैं जो हमारे देश के वातावरण को और अच्छा करेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा भले 6 साल का हो, अपनी माँ की प्रेरणा से संकल्प कर सकता है क्या कि मैं मेरी थाली में जूठा अन्न मेरा पूरा जीवन नहीं छोड़ूंगा, पूरा खाना मैं खाऊंगा, इतना ही लूंगा जितना खाना है। क्या यहां बैठे हुए युवा तय कर सकते हैं हम ट्रैफिक के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते करेंगे? क्या हम जीवन में प्रण कर सकते हैं कि भारत के संविधान ने और विधायिका ने बनाए हुए किसी कानून को नहीं तोड़ेंगे? आप कल्पना कर सकते हो, 130 करोड़ लोग अगर ये संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्पों का ये संपुट हमारे देश को कितना आगे ले जा सकता है। एक कल्पना लेकर, इस संकल्प के वर्ष के अंदर हमने संकल्प लेकर देश के लिए जीने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरह से हर प्रशासकीय इकाई, छोटी सी नगर पालिका हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या चंडीगढ़ प्रशासन, हर क्षेत्र के अंदर अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। 25 साल में हम कहां जाकर ठहरेंगे? अगर ये लक्ष्य हम तय कर लेते हैं तो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब ये सभी इकाइयां जो संकल्प सिद्धि करेगी, ये आजादी का अमृत काल जो है 75 से 100 साल का, ये हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा का एक समय होना चाहिए। हम सब भारतीयों का परिश्रम भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ करे, बिठाए, इस प्रकार के भारत की कल्पना हमें करनी चाहिए। मित्रों, आज मैं चंडीगढ़ प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में प्रशासन के 25 साल का एक संकल्प बनाया जाए, 5-5 साल की कार्य योजना बनाई जाए और इसके रिव्यू की, ईयरली रिव्यू की, पहले 5 साल में ये करना है, इसका ईयरली रिव्यू की एक योजना बनाई जाए, तो 100 साल के बाद जब देश की शताब्दी जो भी मना रहा होगा, जो भी लोग होंगे, हम तो नहीं होंगे युवा मित्रों, आप लोग जरूर होंगे, जो लोग बना दे होंगे, वो सभी को एक उन्नत मस्तक के साथ विश्व के अंदर खड़ा रहने का मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कानून और व्यवस्था को सुधारने की इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, वो सभी लोग एक संकल्प लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे समाज में, हमारे देश में एक नई ऊंचाई प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत बनेंगे। आज जिन लोगों को घर मिला है,
जिन लोगों को नौकरी मिली है वो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका जीवन आगे का शुभ हो इसकी ईश्वर प्रार्थना भी करता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को भारत सरकार के साथ जुड़ने के लिए ढेर सारी बधाइयां। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन और आशीष से निरंतर प्रगति को अग्रसर चंडीगढ़ और भी कई कीर्तिमान स्थापित कर सकेगा ऐसी कामना है सर। आपका आना और आज की तारीख का सिद्ध हो जाना अवश्य ही निकट भविष्य में सभी देखेंगे। चुनौतियां स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो बुलंदियां स्वयं पुकार उठती हैं। हृदय से धन्यवादी है आज ना केवल पुलिस विभाग अपितु चंडीगढ़ की जनता भी कि आपने अपना कीमती समय आज हमारी भलाई के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गुजारिश आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन जी से कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी गुजारिश कि आप माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल जी का भी आभार व्यक्त करें, उन्हें शॉल भेंट करें। बहुत ही खूबसूरत स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी गुजारिश पुनः कि आप गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय भल्ला जी को भी आभार व्यक्त करें, एक स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट करें।